Maharashtrian descendant, two children on a mission with their mom to drive for 6 months, covering 65,000 kilometers across India. Their mother, Mrs. Bharulata Patel Kamble, is a well-known British citizen of Indian descent, born in Navsari district of Gujarat and married to a Maharashtrian. With this mission, Bharulata hopes to inspire and connect Indian origin youths and Indians residing around the globe to the beloved motherland India. And her main goal of this expedition is to pay tribute to the freedom fighters, as well as to raise awareness against cancer and tuberculosis, together with promoting natural farming. The slogan of Mission Team Mom, along with her two kids, is Sare Jahan Se Acha, Hindu Sita Hamara. With this, we'll take you to the press conference at Mumbai Press Club. Mission Bharat एक ऐसा project है जो team मम्मी एंड दो बच्चे जा रहे हैं भारत यात्रा पे. आजादी का 75 साल के celebration कर रहे हैं और हम शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं. साथ ही साथ हम मेरे ब्रिटिश बॉर्न बच्चे को मैं अपनी मातृभूमि से परिचित कराना चाहती हूँ. उन अपने इंडिया की संस्कृति, अपनी हेरिटेज, अवर एंशियंट संस्कृति, अवर हिस्ट्री, अवर कल्चर, अवर सब कुछ, अपना लिटरेचर, सब कुछ से परिचित कराना चाहती हूँ. अपने इंडिया का दर्शन कराना चाहती हूँ. साथ ही साथ उनके थ्रू इंटरनेशनली बसे हुए भारतीयों को भी अपने देश का दर्शन कराने की एक कोशिश है. एक तो मैं खुद कैंसर सर्वाइवर हूँ, तो कैंसर मेरा बहुत मतलब नोन एरिया है. तो कैंसर के लिए हम जन जागृति, मेरा अपना स्लोगन है कि अर्ली डिटेक्शन इज योर बेस्ट प्रोटेक्शन. देखो, कैंसर मतलब डेथ सेंटेंस नहीं है. मेरा अर्ली डिटेक्शन हुआ था, मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से हो गया और मैं आपके सामने हूँ, सब कुछ नॉर्मली कर सकती हूँ. तो अर्ली डिटेक्शन इज योर बेस्ट प्रोटेक्शन. डरो मत. डर तो लगता है, कैंसर शब्द ही इतना बड़ा है, लेकिन डर के सामने आगे जीत है. तो आप अर्ली डिटेक्ट हो जाए, अच्छे से ट्रीटमेंट करा लीजिए और आप ठीक हो जाइए. ट्यूबरकुलोसिस एक इंटरनेशनल, अपने देश का भी कैंपेन है एज वेल एज एक इंटरनेशनल कैंपेन है कि ट्यूबरकुलोसिस हमारे हाथ में है इराडिकेट करना. तो हम उसको, उसमें सर्टन प्रिकॉशन लेना. और ये ट्यूबरकुलोसिस एक खुद अपने साथ स्टिग्मा भी लाता है, तो बहुत सारे लोग सामने आते नहीं हैं बात करने के लिए भी और ट्रीटमेंट करने के लिए. बस उनको एक संदेश है कि आप डरिए मत, आगे आइए, आपका सही ट्रीटमेंट करा दीजिए, ट्यूबरकुलोसिस इराडिकेट हो सकता है, आप ठीक हो सकते हो ट्यूबरकुलोसिस से. तो वो एक अपना मिशन है. दूसरा कि हम नेचुरल फार्मिंग प्रमोट कर रहे हैं. नेचुरल फार्मिंग इसीलिए कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स में कैंसर कोजिंग सब्सटेंस है, ऐसे मैंने लिटरेचर में, साइंटिफिक लिटरेचर में बहुत बार पढ़ा है. तो नेचुरल फार्मिंग करिए. टोटल 65,000 किलोमीटर्स होगा और सारे 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज होगी. 771 डिस्ट्रिक्ट होंगे उसमें. पहले हम पूरा बॉर्डर पे करेंगे, फिर अंदर का हिस्सा करेंगे. स्टार्ट होगा गुजरात से और फिनिश होगा महाराष्ट्र में, क्योंकि गुजरात मेरा मायका है, महाराष्ट्र मेरा ससुराल है. तो मेरे सारे एक्सपीडिशन महाराष्ट्र में ही ख़त्म हुए हैं. और 6 महीना लगेगा, 6 से ऊपर भी लग सकता है. इसमें एक सवाल है, कश्मीर हाल ही में आफ्टर आर्टिकल 370 जब से गया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज्म बुक है, वहाँ कितना एक्साइटमेंट है आपका? बहुत एक्साइटमेंट है अभी. लेट्स होप कि हम सारे कॉर्नर कश्मीर के जा पाए. हमने श्रीनगर, जम्मू में कुछ दिन रखे हुए हैं. हम टिटवाल विलेज तक जाने वाले हैं, जहाँ जो एकदम पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ता है. तो हम सारे बॉर्डर एरिया पे जा रहे हैं. हम सियाचिन तो पहुँच रहे हैं और फिर सियाचिन 15 अगस्त को पहुँचेगी. उसके बाद हम कश्मीर एक्सप्लोर करने वाले हैं, उसके बाद नीचे आएंगे. तो बहुत एक्साइटमेंट है कश्मीर एक्सप्लोर करने के लिए और बहुत पढ़ा है कश्मीर के बारे में. तो ऐसे पर्सनली देखने की बहुत इच्छा थी. तो हमने बड़ा पोर्शन कश्मीर में रखा हुआ है, मतलब 15 दिन हमने कश्मीर में रखा हुआ है. तो हम घूम पूरे जगह पे ड्राइविंग कर करके जाना चाहेंगे. तो आखिर में कोई नारा देश के लिए, जिसके लिए आप भ्रमण कर रही हैं भारत देश को,
आखिर कोई लाइंस देना चाहेंगे? आखिर लाइंस तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।